नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज का वीडियो सिंगम अगेन के बारे में। सिंगम अगेन का दोस्तों एक सॉन्ग फिल्म है जा रहा है बहुत ही जबरदस्त तरीके से, और आपको बता दूं कि ये जो मुंबई में जो तंबाकू फैक्ट्री है वहाँ पे सॉन्ग फिल्म है जा रहा है। करीब 400 जो डांसर वगैरह एक्स्ट्रा जो कलाकार होते हैं उनके साथ ये एक बहुत बड़ा ये सॉन्ग है, जिसमें फिल्म की पूरी लीड यूनिट काम करने वाली है। मतलब अजय देवगन है, करीना कपूर, दीपिका पादुकोण भी हो सकती, शायद नहीं भी आए वो दीपिका पादुकोण इस गाने में, और बाकी जो करीना कपूर है वो डेफिनेटली नजर आएगी। और इसके अलावा अक्षय कुमार है, रणवीर सिंह है, टाइगर श्रॉफ है, अर्जुन कपूर है, सभी को मतलब एक एक बहुत ही सभी को लेकर के बहुत बड़े लेवल पे गाना शूट किया जा रहा है, और काफ़ी ज़्यादा लेविस्टली तरीके से इस गाने को शूट किया जाएगा, क्योंकि ये गाना कहा जा रहा है कि फिल्म का एक तरीके से फिल्म का टाइटल की तरह यूज किया जाएगा, और बार बार में गाना आपको दिखाई सुनाई देगा BGM की तरह। तो काफ़ी बड़ा शूट ये गाने का होने वाला है और चल रहा है फिलहाल, और बहुत तेज़ी से फिल्म की शूटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं मेकर्स, ताकि 15 अगस्त को रिलीज़ किया जा सके। मेकर्स अभी भी उम्मीद लगाए हैं कि शायद 15 अगस्त को रिलीज़ कर दे इस फिल्म को, लेकिन चूंकि शूटिंग बहुत ज़्यादा बाकी है और VFX का काम भी बहुत है, फिर पोस्ट प्रोडक्शन में भी काफ़ी टाइम लगता है, डबिंग वगैरह है, तो इन सब कामों में टाइम लगता है, तो मुझे नहीं लगता कि फिल्म टाइम पे कंप्लीट हो पाएगी और 15 अगस्त को आ पाएगी। इसीलिए ये खबरें आ रही है कि डेफिनेटली फिल्म पोस्टपोन होगी और दिवाली पे रिलीज होगी। तो कई लोग जो कह रहे हैं कि जो सिंगम है, बाजीराव सिंगम है, वो पुष्पा से डर गया, तो ऐसी कोई बात नहीं है, डरने वाली बात नहीं है। यहाँ पे डरते कहाँ जी देवगन सर, अभी अक्षय कुमार के सामने फिल्म रिलीज की है मैदान, और उससे पहले भी कई फिल्में बड़े बड़े कलाकार के सामने रिलीज कर चुके हैं, तो डरने वाली कोई वैसे कोई बात नहीं है। फिल्म की शूटिंग पूरी नहीं हो तो कहाँ से रिलीज करेंगे, शूटिंग में काफ़ी तेज़ी से करने की कोशिश की लेकिन फिल्म पूरी नहीं हो पाई, VFX वगैरह काम बाकी रह गया, तो कैसे रिलीज करेंगे। तो ऐसा अफवाह मत फैलाइए कि देवगन डर गया, एक बड़े यूट्यूबर ने वीडियो बनाया था देवगन डर गया, डरने वाली कोई बात नहीं मेरे हिसाब से। एक्चुअली वो प्रॉब्लम वही है कि शूटिंग पूरी नहीं हुई तो कहाँ से रिलीज करेंगे, और वैसे डिसीजन अच्छा है, दोनों फिल्मों को फायदा होगा, पुष्पा 2 को भी और सिंगम अगेन को भी, क्योंकि दोनों बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी मूवीज है, एक दूसरे के कलेक्शन को काटेगी तो कम होगा दोनों का कलेक्शन, लेकिन यहाँ से अगर सिंगम आगे जाती है तो फिर प्रॉब्लम वही आएगी आगे जा करके, क्योंकि भूलभुलैया 3 से टकराएगी या तो दिवाली पे या फिर वेलकम टू द जंगल है, तो इन दोनों फिल्मों से फिर वो टकरा सकती है, ये क्लेश भी भयंकर होगा, देखने लायक होगा, बेमिसाल होगा मुझे लगता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जय श्री राम, जय बोलता है।